बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ अवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस फॉर द क्लास 6। हम चैप्टर नंबर 7 अल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट को रीड आउट कर रहे थे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट को चेक कर लेते हैं, और इसमें जितना भी पार्ट है वो आप लोगों के होमवर्क स्लाइड में एज इट इज़ इसी तरह से जाएगा। Now let's start it. Now you know, an algorithm is a sequence of steps to solve a problem. जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा, you have already learned कि algorithm हमारे पास sequence wise problems को sort out करने के लिए stepping होती है, ठीक है। इसमें हम लोग steps write down करते हैं। A flow chart is a diagrammatic representation of an algorithm. Algorithm का diagrams की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास फ्लो चार्ट शो करती है, या पिक्टोरियल जो आपकी पिक्चर्स होती हैं वो आप अल्गोरिथम से मतलब कि जो डिटेल लेते हैं उससे जो एक फ्लो चार्ट, एक पिक्टोरियल डायग्राम्स बनाते हैं उनको फ्लो चार्ट कहते हैं। ओवल शेप्ड सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द फ्लो चार्ट। ये आपका जो ओवल शेप, जो राउंडेड इस तरह से एक सर्कल में आपके पास आता है, वो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ द फ्लो चार्ट को शो करता है। और ऑलरेडी सिंबल्स ऑफ अ फ्लो चार्ट से अब आप उससे सिमिलियर हैं, ठीक है, फेमिलियर हैं। पैरेललोग्राम शेप सिंबल इज़ यूज टू इंडिकेट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द फ्लो चार्ट। हमारे पास पैरेललोग्राम जो सिंबल है वो हमारे पास इनपुट और आउटपुट को इंडिकेट करता है, बताता है हमें। रेक्टेंगुलर शेप सिंबल इज़ यूज टू इंडिकेट द प्रोसेसिंग ऑफ फ्लो चार्ट। अब इसमें जो रेक्टेंगुलर शेप सिंबल आता है वो हमारे पास प्रोसेसिंग सिंबल होता है, ठीक है, जो कि हमारा जिसका जितना भी वर्किंग हो रही होती है वो सारा हमारे पास प्रोसेसिंग या रेक्टेंगुलर शेप सिंबल में होती है। डायमंड शेप सिंबल इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डिसीजन मेकिंग स्टेप्स। और डायमंड शेप सिंबल में हमारे पास डिसीजन मेकिंग होती है, वेदर येस और नो की इसमें ऑप्शंस आती हैं। कि अब मैं पहले भी लेक्चर्स में आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपको बता रही हूँ कि डिसीजन सिंबल में या डिसीजन में हम लोग फैसला करते हैं वेदर येस और नो, ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। डायरेक्शनल एरोज आर यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ वन स्टेप टू अनदर। और हमारे पास जो एरोज होते हैं वो हमारे पास फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप को, कि हमने नेक्स्ट वर्ड्स किस की तरफ मूव करना है। द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन एनी फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। वो कह रहे हैं हमारे पास जो फ्लो चार्ट का डायरेक्शन है वो हमारे पास या तो टॉप से बॉटम होगा या फिर लेफ्ट से राइट होगा। कभी भी आपका फ्लो चार्ट टॉप से बॉटम की तरफ मूव बॉटम से टॉप की तरफ मूव नहीं करेगा। हमेशा जो आपका टॉप टू बॉटम होगा, रिवर्स गियर लग सकते हैं उसको, यू टर्न उसमें आ सकता है, लेकिन फॉर द सम कंडीशन, नॉट फॉर द स्टार्ट कंडीशन, ठीक है। की टर्म्स में देख लें, अल्गोरिथम अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। अगेन उसमें इन्होंने आपको मेंशन कर दिया है। फ्लो चार्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्गोरिथम। अल्गोरिथम की जो हमारे पास पिक्टर रिप्रेजेंटेशन आती है वो क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट उसको बोलते हैं। काउंटर, अ काउंटर इज अ वेरिएबल विच काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस इज रिपीटेड। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे काउंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि नंबर्स ऑफ टाइम्स को काउंट करता है कि लूप हमारे पास कितनी दफ़ा चला है, ठीक है, लूप ने अपना कितना जो है ना वर्किंग की है, ठीक है। आप लोगों ने देखा था कि लूप हमारे पास डिफरेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें मतलब कि प्रॉपर, जैसे आप पेंडुलम का कह लें कि वो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो उसमें जो उसकी काउंटर या जो उसकी वॉल क्लॉक की जो आपकी घड़ी की जो सुइयाँ होती है वो उसका एक कह लें आपके काउंटर चेक होता है, ठीक है, ताकि वो उसको मेंशन करता है और उसके साथ साथ वो मूव करती रहती है। एक्सरसाइज में देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। The general direction of flow in any flow chart is from left to right or top to bottom. ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ हम लोग आते हैं। A dash is any mechanism in which a task repeated many times. ऐसा कौन सा mechanism है, ऐसा कौन सा task है जिसमें हम लोग repetition बार बार करते हैं, तो वह हमारे पास loop था। A dash is a variable which counts the number of time a process is repeated. ऐसा कौन सा variable है जो कि उसी loop की repetition को count करता है, तो हमारे पास counter आता है। A dash is a step by step process to solve any problem. Algorithm, आपको पहले भी बता चुके कि algorithm हमारे पास step by step problems को sort out करने का process होता है।
अ डैश इज रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज कौन लिखता है तो वो प्रोग्राम होता है, या हमारे पास जो लैंग्वेज होती है वो प्रोग्राम होती है, ठीक है, अल्गोरिथम भी नहीं होता और फ्लो चार्ट भी नहीं होता। फिल इन द ब्लैंक्स में देखें, डैश आर यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ वन स्टेप टू अनदर फ्लो लाइन्स, ठीक है, एक स्टेप को दूसरे स्टेप से कनेक्ट रखना और उसकी इंडिकेशन, फ्लो ऑफ इंडिकेशन को शो करना, कौन करता है, फ्लो लाइन्स को। अ डैश इज यूज टू इंडिकेट द प्रोसेसिंग ऑफ फ्लो चार्ट, अब फ्लो चार्ट को प्रोसेसिंग को, फ्लो चार्ट की प्रोसेसिंग को कौन सा सिंबल इंडिकेट कर रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। अ डैश इज यूज टू रिप्रेजेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द फ्लो चार्ट, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फ्लो चार्ट का कौन सा पॉइंट या सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंडेड रेक्टेंगल। अ डिसीजन सिंबल हैव ओनली वन एंट्री पॉइंट एंड टू एग्जिट पॉइंट, आपको पता है कि डिसीजन सिंबल में हमेशा आता तो उसके पास एक एंट्री पॉइंट है लेकिन टू एग्जिट इसके पॉइंट होते हैं, मीन आप उसको येस और नो या ट्रू और फॉल्स में मैंशन करते हो। नाउ हेयर टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। एन अल्गोरिथम इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, नो, बिकॉज अल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यू कैन नॉट क्रिएट अ फ्लो चार्ट और अल्गोरिथम टू मेकिंग अ टी कॉफी, फॉल्स, बिकॉज यू कैन क्रिएट। एवरी फ्लो चार्ट हैज मैनी स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल, हर फ्लो चार्ट का कोई स्टार्ट और स्टॉप सिंबल होता है, तो ये क्या कह रही है कि हर फ्लो चार्ट का क्या है, मैनी नहीं होते, जस्ट ओनली वन स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल होता है हमेशा। ओवल शेप डायमंड इज यूज टू शो द डिसीजन प्रोसेस, ओवल शेप जो है हमारे पास वो क्या डिसीजन प्रोसेस को शो कर रहा होता है, फॉल्स, बिकॉज डायमंड सिंबल इज यूज टू शो द डिसीजन प्रोसेस। देयर आर मैनी फ्लो लाइन्स दैट कम आउट फ्रॉम द प्रोसेस सिंबल, बहुत सारी लाइन्स प्रोसेस सिंबल से आ रही होती हैं, फॉल्स है, बिकॉज ओनली देयर आर वन फ्लो लाइन दैट कम आउट फ्रॉम द प्रोसेस सिंबल। वन फ्लो लाइन इज यूज टू कनेक्ट द स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल, यस, ये आपके पास अब स्टार्ट और स्टॉप सिंबल को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ही लाइन हम लोग उसमें यूज करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में देखें, अब आप लोगों के पास आंसर द फॉलोइंग में विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट, द आंसर इज हेयर पैरेललोग्राम सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट। हाउ मेनी एग्जिट पॉइंट डज अ डिसीजन सिंबल हैव, द आंसर इज अ डिसीजन सिंबल हैज ओनली वन एंट्री पॉइंट but two exits point. Question number 3, which symbol is used to represent the connection between symbols of flow chart? Flow chart ke symbols ke darmiyan connection kaun sa symbol represent karta hai? Flow lines are used to represent the connection between symbols of the flow chart. Hamare paas kya aa raha hai yahan pe, flow lines ya phir arrows. Question number 4 is, what is an algorithm? An algorithm is a sequence of steps to solve a problem. What is a flow chart? And draw a flow chart to divide two numbers. अब flow chart क्या है और हमें एक flow chart draw करना है जो कि क्या कह रहा है आपके पास, divide कर रहा है। Flow chart a pictorial representation of an algorithm. And here is a flow chart. आप लोगों ने proper इसको lining के साथ और proper neat जो है आप लोग चाहे तो ये blank pages इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर line page भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Start symbol is here, stop symbol is here. Now input is A and B because we are dividing two numbers. हम दो numbers को divide कर रहे हैं तो इसलिए input भी हमारे पास A and B होगा। Then अब इसमें processing हो रही है हमारे पास, C is equal to A divided by B. Then print C, क्योंकि हमारे पास result किस सेल में आ रहा है, सी में, देन प्रिंट करेंगे सी में जो भी रिजल्ट होगा हमारे पास, देन उसका स्टॉप कर देंगे हम लोग, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जितना भी अभी आप लोगों को काम अभी मैंने बताया है कि नाउ यू नो से लेके आप लोगों की जितनी एक्सरसाइज है ये कि सारी की सारी आप लोगों ने नीट रजिस्टर्स के ऊपर अटेम्प्ट करनी है और इनको याद भी करना है और बहुत अच्छे तरीके के साथ याद करें ताकि आप लोग जब अभी एनुअल टर्म में अपीयर हों तो आप लोगों के पेपर्स में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये जो 5 क्वेश्चंस आप लोगों के पास रह गए हैं 6 onward 10th तक, ये अब आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर कर दूँगी। और जितना भी वीडियो पे हम लोग कोई अगर ऐसा चीज़ है तो हम लोग उसको वीडियो ट्यूटोरियल्स जो है ना आप लोगों को अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।